फुआ संग सात फेरे लेकर सात जन्मों के बंधन में बंध गया भतीजा। वहीं इस रिश्ते से नाखुश लड़की के पिता ने अपनी ही बेटी से तोड़ दिया पूरा रिश्ता नाता। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार ऊंच नीच जात पात से ऊपर होता है। ऐसा ही कुछ एक गांव में देखने को मिला, जहां फुआ और भतीजे ने आपस में ही शादी रचा ली है। दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया है। वहीं इधर लड़की के पिता ने स्थानीय थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक भतीजे ने अपनी ही फुआ से शादी रचा ली। बता दें कि भतीजे का फुआ के लिए ऐसा दिल धड़का कि सात जन्मों के बंधन में दोनों बंध गए। आपको बताते चले कि यह घटना ओराई थाना क्षेत्र के जौकी गांव की बताई जा रही है, जहां फुआ और भतीजा में गहरा प्यार हो गया और उसके बाद प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया, जिससे नाराज लड़की के पिता ने ओराई थाने में आवेदन देकर लड़की के अपहरण होने का मामला दर्ज कराया। वहीं केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने काफ़ी खोजबीन की और अंत में पुलिस ने खोजबीन कर लड़की को बरामद कर लिया और उसे थाने ले आई। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमी जोड़े को ओराई थाना पर लाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी जोड़े ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। वहीं लड़की के पिता को जानकारी देकर ओराई थाने पर पुलिस ने बुलाया, जिसके बाद लड़की के पिता ने अपना आवेदन वापस ले लिया और बोला कि लड़की को जहां जाना है वह जाए, वह गांव में नहीं रहेगी, गांव से बाहर जाकर वह जहां रहना चाहे वहां रह सकती है। गौरतलब है कि लड़की के पिता ने लड़की के लापता होने पर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। वहीं आवेदन वापस लेते हुए लड़की के साथ उन्होंने अपना सारा रिश्ता नाता भी तोड़ दिया। पुलिस ने लड़की के परिजनों को मामले की जानकारी देने के साथ साथ लड़के के परिजन को भी फोन कर उसकी बात बताई, जिसके बाद लड़के के घर वालों को प्रेमी जोड़े को सौंप दिया गया। वहीं ओराई थाने के थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने दोनों प्रेमी जोड़े को थाने से विदा कर दिया। बता दें कि प्रेमिका का नाम सरिता देवी है, जिनके पिता का नाम बालेश्वर पासवान बताया जा रहा है। वहीं प्रेमी का नाम अखिलेश पासवान है। दोनों एक ही गांव में दूर के रिश्ते से फुआ भतीजा बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरिता देवी का पति अखिलेश पासवान घर से बाहर अपने बहन के यहां अपनी पत्नी को लेकर चला गया था, जिसके बाद मामला काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ था। वहीं थाना अध्यक्ष ने इस मामले को किसी तरह से शांत करवाया और प्रेमी जोड़े को ओराई थाना से विदा कर दिया। आपको बता दें गणेश पासवान के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया था कि अखिलेश पासवान ने मेरी लड़की का अपहरण कर लिया है। अनुसंधान किया गया तो पता चला कि दोनों ने लव मैरिज की है, दोनों शादी के जोड़े में ही थाने में आए। इसके बाद लड़का और लड़की दोनों परिवार को बुलाया गया। दोनों थाने पर आए, लड़की बोली कि मैं लड़के के साथ रहूंगी। उसने कहा कि हम दोनों बालिक हैं, जिसके बाद लड़की के पिता ने आवेदन अपना वापस ले लिया और कहा कि उसको जहां जाना है वहां जाए। कैसे संपर्क हुआ, कैसे भागी? बात कर रहे थे, बात करके बस हमको पसंद पड़ गया, हम निकल गए, शादी कर लिए दोनों बड़ा मुजफ्फरपुर मंदिर में। अच्छा, क्या बहाना बनाकर घर से निकले थे? कुछ बहाना नहीं करके निकले। कैसे निकले? सोझे निकल गए। शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली। अच्छा, पिता के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि अपहरण तुम्हारा कर लिया गया है, क्या है? हम उसको राजी नहीं है, उससे शादी के उसको राजी है, उसके साथ रहेंगे। डर भय भी है तुमको? ना, डर नहीं है। मम्मी पापा से डर लग रहा है कुछ नहीं करेंगे? लग रहा है। किसके साथ रहोगी? किससे शादी के उससे साथ रहेंगे। अच्छा, लड़का का नाम क्या है? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? अखिलेश कुमार। कहाँ घर है? कैसे शादी की है, कैसे हुआ है? अपना मर्जी से। गणेश पासवान के द्वारा थाना के प्राथमिकी एक आवेदन दिया गया कि मेरी बेटी को अखिलेश पासवान ये अपहरण कर दे। जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि वो लड़का लड़की थाने पर आए और शादी के जोड़े में आए, और उसके बाद लड़का और लड़की के दोनों परिवार को बुलाया गया। तो लड़की बोली कि हम लड़का के साथ रहेंगे, दोनों बालिग हैं। तो लड़की पक्ष वाला बोला कि
जहाँ जाना चाहते जाए कोई मतलब नहीं, अपना कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करना। अच्छा, कैसी स्थिति में लड़का लड़की आए हैं थाना पर? शादी की जरूरी। अच्छा, पिता के द्वारा क्या आवेदन दिया गया था? मेरी बेटी का अपहरण कर दिया। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? शादी आई।